ई प्रत्यय एका आ हो जाता है, का क्या हो जाता है, आ हो जाता है, मिल गया सबको। दशरथ का दासरथी, दशरथ का क्या, ई प्रत्यय में, ई प्रत्यय, ई प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, ये ई प्रत्यय छोटा ई, ई प्रत्यय के साथ, किसके साथ बेटा, ई प्रत्यय के साथ प्रथम स्वर, ये लिखते जाओ आप तो बेटा, आपको समझ में आएगा ऐसे पीडीएफ से, आप लिखते जाओ सब कॉपी में अगला नियम, ई प्रत्यय के साथ प्रथम स्वर ए का आ हो जाता है, ए का आ हो जाता है, का क्या होता है, आ हो जाता है, ई प्रत्यय के साथ प्रथम स्वर ए का आ हो जाता है। नंबर वन दशरथ, करते जाओ बेटा, बताओ दशरथ का क्या होगा बेटा, दशरथ का समझिए ना, दशरथ का दासरथी, शरत का सारथी होगा सर, ये शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखना, शरत का सारथी ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना शरत का सारथी ऐसे लिखते हैं, और वाल्मीकि का होगा वाल्मीकि, वाल्मीकि का क्या होगा बेटा, ओके बोलो, और चाणक्य का होगा चाणक्य, ओके बोलो बेटे, हाँ अच्छा इसमें ये हो रहा है, ये दिया, ये अलग है, नहीं ये, ये इसको मिटाई दो यहाँ पे, ठीक है अब सही है, कहाँ कहाँ ही दशरथ, ई प्रत्यय जोड़ना है ना, हाँ ई प्रत्यय के साथ, समझ गए सर, समझ गए क्लियर, दशरथ का दासरथी, आगे लिखो आयन प्रत्यय, आयन प्रत्यय, आयन प्रत्यय लिखना है कॉपी में, लिखते जाना है सर आयन प्रत्यय, किसमें अभी इसमें क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करेंगे ना, मैं सॉल्व कर, क्वेश्चन है ना लास्ट में, अभी मैडम क्वेश्चन बताऊंगा ना आप कैसे आते हैं, क्वेश्चन लास्ट में, इसने प्रिंट नहीं लो, ये रहा अभी आपका करो, करें क्वेश्चन करेंगे आप टेंशन, हाँ हाँ हाँ, ये प्रत्यय से आ गया था, गलत हो गया, ये प्रत्यय वाले आ गए थे, ये इसमें ई प्रत्यय नहीं है, ओके क्या, ये दो अलग अलग जुड़ गए थे, आगे लिखो आयन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय बेटा, आयन प्रत्यय लास्ट है, फिर इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, इसको बस हो गया, आयन प्रत्यय, आयन प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, आयन प्रत्यय से लिखो दांडे, वात्स्य, बेटा बात नहीं करनी बेटे, और कात्य, करो बेटा देखो, दांडे का हो गया दांड्यायन, वात्स्य का हो गया वात्स्यायन, और कात्य का हो गया कात्यायन, क्लियर क्या, कात्य का हो गया कात्यायन, ओके बोलो, ये टेस्ट सीरीज निकाल लो जब तक इसके आंसर करेंगे आज, बस और ये काम करता, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कुटुंब, कौन सा, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब ये सब जो संस्कृत से हिंदी में जो कितु आए हो, बहुत बढ़िया, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, कौन सा तद्भव नहीं है, तद्भव घर का तो ग्रह होता है ना, कुक्कुर, कौन सा कुक्कुर का क्या होता है, कुत्ता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे सोनू, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, रक्तदान, कौन सा, पता है सर भी क्यों रक्तदान, क्योंकि दान का मतलब होता है रखने की जगह, जैसे कलम दान होता है, ये अरबी फारसी शब्द है दान, रखने की जगह, कलम पहले अपन पुराने जमाने, जैसे तुम आरजीएस बन जाओगी ना तो कलम को रखने के लिए दान होता है ना, टेबल पर रखा होता है तीन पेन, बड़े लोग बताया था इत्र दान बड़े बड़ा होता है, उनके इत्र परफ्यूम अलग अलग होते हैं, वहां परफ्यूम रखे होते हैं, क्या होती है वो मैडम, वहां परफ्यूम रखे होते हैं, क्या होता है वो, नहीं नहीं जब परफ्यूम रखे होते, वार्डरोब होती है ना, वार्डरोब तो उसमें अलग अलग परफ्यूम, वार्डरोब भी बोल देंगे, क्या बोलते हैं, वार्डरोब होती है, तो उसी में तो नीचे रखते हैं परफ्यूम, तो ये किसको कौन है, ड्रेसिंग में कहाँ रखते हैं इत्र दान को,
ड्रेसिंग रूम पे चलकर ठीक है, बिल्कुल नहीं पता। इसका आंसर होगा बी, और इसका आंसर बी इसलिए हो रहा है कि जो दान है वो अरबी फारसी का शब्द प्रत्यय प्रत्यय है, और ये हिंदी शब्दों के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकता। किस शब्द में सभी शब्द शब्द तत्सम है, तत्सम मतलब संस्कृत के सब शब्द कौन सा? मस्तक और श्वास, मस्तक और बेटा पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट का है, बस ऐसे रखेगा तो ये मैंने चीता पा लिया ये लड़का। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, नो लोक लोकल शब्द है, मखौल कौन सा? मखौल लोकल शब्द है, नहीं नुक्कड़ तो हमने बाहर से लिया है मैडम, ये पुर्तगालियों से लिया है मैडम। आपको पता है सोनू हमारे देश में पुर्तगाली भी आए थे, पुर्तगालियों से हमने तंबाकू बनाना सीखा है, तंबाकू सच पिलाई है, चाय हमने अंग्रेजों से सीखी है, क्लियर? मखौल बना दिया तुमने मेरा, ये लोकल शब्द मखौल बना दिया तुमने मेरा, मेरी पर्सनल चैट सबको दिखा दी, मजा प्राइवेसी का नाम होता है, ऐसे इंग्लिश बोला करो प्लीज मेरे को, आई हेट हिंदी मीडियम स्टूडेंट। नहीं हिंदी पढ़ाना लगे, एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट अलग होता है। विस्मय बोधक कव्यों में कौन सा तथ्य सही नहीं है? बताओ उमा जरीरा, बताओ सबके साथ बताओ बेटे, गलत सही जैसे बताओ, पूरा ढंग से पढ़ोगे तो? नहीं पूरा ढंग से पढ़ाई नहीं तूने, पूरे ऑप्शन पढ़ो ढंग से, पूरा ऑप्शन पढ़ो बेटा। सर आप बता दोगे आराम, सर सी होगा, क्या होगा? विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना पढ़े मत चल जाना, चौपट हो जाए करियर, बता दे रहे मेरे को विराम चिन्ह पढ़ाना है, विराम चिन्ह प्रीमियम काम आएंगे, मेंस में काम आएंगे, विराम चिन्ह लगाना नहीं आता तो कुछ नहीं आता। और 19 का होगा सी, 18 का सी, ये प्रत्यय, ये प्रत्यय रहित शब्द है, ये प्रत्यय जिसमें नहीं है बताओ है? कौन सा? 19 में सी भवत प्लस ये, उसमें तो भवदीय में तो भवत प्लस ये कौन संधि है? नहीं भवदीय में कौन संधि है? भवत प्लस ये है, देखा व्यंजन कौन सी? इसमें होगा सी, मान के नीचे हरण लग जाएगा और अनिये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? समझ गए सर बेनीवाल सर, अनिये बन जाएगा, मान के नीचे हरण लग जाएगा। किस शब्द में ये तो बताना है सबको, सी कौन सा निकला हुआ है आरजे? ये तो बहुत टफ पेपर है पागल, आरजे बहुत सारे लगे एकदम पता सी पर जैसे क्वेश्चन आएंगे इनको जो कर देगा वो तो, और भगवान साथ है, मां सरस्वती साथ है तुम्हारे, पागल हो सब चले गए अपनी अपनी व्यवस्थाओं के साथ, पार्कों में बैठे हुए कोई मूवी देख रहा है, तुम बैठे हुए हो यहाँ, भगवान ही है कहीं, मां सरस्वती है, तुम 100% सेलेक्ट हो, तुम पूजा 100% सेलेक्ट हो। 8:30 बजे जो नहीं आया शाम को खत्म है करियर, 8:30 बजे एक दिन की बात है, ढंग से पढ़ लेना एक दिन अच्छे से आ जाना, मेरे को पता है तू तो नहीं आएगा, 8:30 बजे आ जाना जरूर, तो तेरे पास मेरा नंबर भी नहीं है ना, हेलो भाई बोला ही नहीं अब तक, अब तक मैं तो तूने मेरे भाई नहीं बोला एक बार भी, अब खुद देख लो आप, एक बार चैट ही नहीं हुई तेरी कभी, तेरे कोई मतलब ही नहीं मुझसे, क्यों किया तूने ऐसा, तूने मांगे कभी आगे से साइड में जाके सर नंबर दे दे। लिखो, बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य में उद्देश्य है कौन सा? बीमार व्यक्ति कौन सा बेटा? बीमार व्यक्ति, हाँ कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बीमार व्यक्ति उद्देश्य होता है, ये करवाया हुआ है ना, ये नहीं कराएगा, एक पहले क्वेश्चन में करवाया हुआ है सर, कर्ता को ही उद्देश्य बोलते हैं, मैंने बुलवाया भी था, कर्ता को उद्देश्य बोलते हैं। 44वां क्वेश्चन गलत है सर, बताओ कौन को क्यों गलत है बताओ सोनू, एक ई और डी डी है। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है?
हिंदी पारिभाषिक रूप से नहीं, डी कुर्की होती है क्या? एक बार प्लीज देख लेना फिर मैडम, सब सबको गूगल करके देखो फिर। 82 में सीआरपीसी भी आती है क्या? ढंग से बताओ आगे, कॉन्फिडेंस क्या होगा? नहीं, बुरा आचरण और दुर्व्यवहार एक ही बात है। नहीं, बुरा आचरण तो खुद इसका सब सारे हम गुड फेथ सद्भाव। 46 का बेटे घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ बिल्कुल सही है, 46 का भी आएगा 100% सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, 46 का भी आएगा सर, मैंने जल्दी जल्दी बात, 46 का भी। जिंदाबाद, ताली बजा बेटे, ताली ठोको। आज व्हाइट शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो सर, पूरा है ना व्हाइट शर्ट में, बहुत महंगी शर्ट पहन की आज लीलन की। आगे आगे चलो, 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है? सी। एक बार बेटा वो बजर दबाओ, मैं किसी से बात करूंगा ऑनलाइन में, किसी को डाउट? सी कौन सा? सर्वत्र मानकीकरण होना चाहिए। क्लियर बेटे? निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? बी कौन सा? शायद शाम को वर्षा हो जाए। टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक है? तुनक मिजाज। तुनक मिजाज कभी तो तेरी तुम्हारी और मेरी केमिस्ट्री बैठ रही है। सही वाक्य में, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयुक्त नहीं हुआ है? अच्छी दुर्गंध आ रही है, यह प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? लिखोगे या बेस में समझाऊं? लिख लो, लिखो। यह प्रत्यय के साथ यह प्रत्यय के साथ बेटा तू बोला था ना, ये दिखाया नहीं हमको, अपनी गल करूं। यह प्रत्यय के साथ किसके साथ बेटा? यह प्रत्यय के साथ प्रथम स्वर, यह प्रत्यय के साथ प्रथम स्वर ए का आ हो जाता है। ए का आ हो जाता है, ए का क्या होता है? आ हो जाता है, ए का आ हो जाता है, ए का क्या होता है? तथा अंतिम वर्ण हलंत हो जाता है। अंतिम वर्ण हलंत हो जाता है, वत्सल। स्वस्थ, सम, ये करना है बेटे आपको। दंपत्ति बिल्कुल सही होना चाहिए। दंपत्ति करो बेटे, एकदम सही होना चाहिए बेटा। अंतिम वर्ण को अलग कर दो, प्रथम स्वर में को मात्रा लगा दो, प्रथम स्वर में वृद्धि करो बेटा, करो पहली बार। हाँ बेटे बताओ, लवण का क्या होगा? लवण का हो गया लावण्य। लवण का क्या हो गया? लवण का लावण्य हो गया, लवण का लावण्य हो गया। हाँ, यह मैलंत नहीं, यह मैलंत क्यों पूरा आएगा? ये तो प्रत्यय ना। और वत्सल का क्या होगा बताओ? वत्सल का, वत्सल का होगा वात्सल्य।
तो अंतिम वर्ण हलंत ये हो गया ना, अंतिम वर्ण हिले है, मूल अंतिम वर्ण ये होगा ना, मूल शब्द के सब, मूल शब्द वाला होगा। तुम तो रेगुलर आई बेटा, स्वस्थ का ए का आ हो जाएगा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्लियर क्या? सम का हो गया साम्य, और दंपत्ति का हो जाएगा बताओ क्या होगा? दाम्पत्य, दाम्पत्य। ओके बोलो, आगे चलो बेटा, चलो आगे, अगला लिखो नेक्स्ट। उपसर्ग वाले शब्द कौन सा बेटा? उपसर्ग वाले शब्द नहीं, उपसर्ग वाले शब्द नहीं, वो ये प्रत्यय कंटिन्यू चल रहा है, अंतिम वर्ण अलंत हो जाएगा, कंटिन्यू चल रहा है। और चलो, दाम्पत्य प्रथम स्वर वृद्धि होगी, एक आ हो गया, और ये तय, ये अलंत हो गया, और ये आ गया। जब ये ती ती अलंत होगा, जब सब मात्रा पत्र हट जाएंगी, सब हट जाएंगे बेटा। चलो आगे करो, ऐसी आगे क्या हो गया अब तो बस ठीक है। एक और लिखो, ये एक और लिखना बेटा, यह प्रत्येक के साथ अगला नियम, यह प्रत्येक बेटा लिख लेना, समझ में आ गया इसे, यह प्रत्येक के साथ ईका आई हो जाता है, ईका क्या होता है? आई हो जाता है, यह प्रत्यय के साथ ईका क्या होता है बेटा? आई हो जाता है। जैसे लिखो नंबर वन शिथिल, बोलो शिथिल, फिर ईश्वर, बिल्कुल सही होना चाहिए बेटा, अंतिम वर्ण हलंत भी होगा, ईकाई होगा और अंतिम वर्ण हलंत होगा, पूरे ध्यान से, मुझे सिलेक्शन लेना है। दिति, पूरे ध्यान से, हाँ बेटा क्या शिथिल का क्या होगा बताओ? शिथिल का, शिथिल का क्या होगा? शिथिल का होगा शैथिल्य, शिथिल का होगा शैथिल्य, क्या होगा बेटा? और दिति का क्या होगा? दिति का क्या होगा? दैत्य। और ईश्वर का क्या होगा? ईश्वर का क्या होगा? ऐश्वर्य। और धीर का क्या होगा? धीर का धैर्य। ओके बोलो बेटे, क्लियर क्या? धीर का धैर्य। आगे अरबी फारसी के प्रत्यय, नहीं अरबी फारसी के दो, देखो इसमें उसमें देख लो, सरल है, हर्ज का हर्जा, पीडीएफ में देखो, हर्ज का हर्जा, खर्च का खर्चा, खर्च का क्या बेटा? खर्चा, दिल का दिलावर, दिल का क्या हो गया? मिल गया बेटे, आवर प्रत्यय, जोर का जोरावर, जोर का क्या होगा? और चुन का हो गया चुनिंदा, चुन का क्या हो गया? बास का बासिंदा, बास का, और मर्द का हो गया मर्दाना, सुनाएंगे मर्दाना सब सुनाएंगे, हेलो मर्दाना सब सुनाएगा बेटे, बच्चे इधर देख मेरे तरफ हंस रहा है, उसी तरह देख, तू सुना है कि मर्दाना क्या होता है? मर्दाना जनाना सुना है, मैन फीमेल, चुनिंदा बासिंदा। अभी फारसी के प्रत्यय में दोबारा देखो, इस प्रत्यय से, इस प्रत्यय छोटा ही, इस प्रत्यय छोटा ही, बोलो फरमाइश, मुंह से बोलो फरमाइश, पैदाइश, खोर, बोलो आदम खोर, मुफ्तखोर, अब होगा, देखो अब होगा, होगा अब सुरभि, अब होगा। प्रत्यय के दो प्रकार है, प्रत्यय के दो प्रकार है बेटा, प्रत्यय अपना अपना देखो ना, आप खोल लो, आपका कहाँ है मोबाइल भी नहीं है, कोई बात नहीं, देखो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रत्यय होते हैं,
हेलो ठीक है ना, कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय, क्लियर। कृत प्रत्यय का मतलब है, बहुत ढंग से सुन रहा हूं, कृत प्रत्यय का मतलब है क्रिया शब्दों के अंत में लगेगा, किसके शब्द में, प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगेगा, हेलो, वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। क्रिया शब्दों के अंत में लगेगा वो तो कृत प्रत्यय कहलाएगा, और जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगेगा वो तद्वित प्रत्यय कहलाएगा। पहले समझो बेटे ढंग से, क्रिया शब्दों के अंत में लगेगा वो तो कौन सा प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय, और किसके अंत में लगेगा। अब देखो बेटे, जैसे बताओ लूट, जैसे बताओ बोलो नमक, बोलो नमक, बताओ नमक क्या है, संज्ञा इन प्रत्यय लग गया नमकीन, इन प्रत्यय लग गया नमकीन, कौन सा प्रत्यय हो गया, तद्वित, कौन सा तद्वित प्रत्यय। अब देखो इसमें कृत प्रत्यय देखो नीचे, लिखा लिखी ये सब कृत प्रत्यय, ये बात समझ आई नहीं आई, सर समझ आ गई, सर बंजल सर नहीं आ गई, तो पांच पांच बार बताएंगे आगे क्या। देखो सर, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, और एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण, उसके अंत में जो प्रत्यय लगेगा वो तो कहलाएगा तद्वित, कौन सा बताओ, तद्वित का संधि विच्छेद आप में से कोई कर सकता है, संधि के क्या नाम है, अभी एक महीना पूरा बचा हुआ है, एक महीने में आराम से हिंदी हो जाती है जनरली, अभी भी ढंग से पढ़ोगे तो हो जाएगी हिंदी व्यंजन। अब देखो सर, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ये चार क्वेश्चन है आराम से सोच के, तद्वित और कृत प्रत्यय के आधार पर, लटका हुआ पूरा खड़ा हुआ था बताया था, बहुत बढ़िया कर रही हो तुम, ऐसे घबराती क्यों, अभी तो एक महीना पूरा बचा है आराम से, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई वो हो जाएंगे, इस बेटे कंटिन्यूटी टूट जाती है जब दिक्कत होती है, लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम तो कहे कहा करो यार बेनीवाल, तुम्हारी सरकार है यार बेनीवाल, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, ये बहुत सीधा है, देखो इतना वासी बहुत सीधा है, बहुत। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है, सी, कौन सा सी, क्योंकि खींचना क्रिया होती है, खींचना क्या होती है, क्रिया होती है, खींचना तो क्रिया होती है ना सर, नहीं कृत प्रत्यय, हाँ चौड़ाई, क्या बेटा चौड़ाई होगा, पहले का भी चौड़ाई विशेषण है, खींचना तो क्रिया होती है ना ऐसे, ओके बेटे, नहीं डिब्बी आएगा बी, क्यों देखो बुलावा में भूल क्रिया है, भूल गया मैं उसको, क्लियर, खिंचाव में खींच क्रिया है, चुनना फूल चुन रही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय नहीं, आराम से देखो, कबाड़ी खेलना क्रिया है, खेलना क्या है, क्रिया है, क्लियर। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है, कृत प्रत्यय नहीं है, झाड़ दिया मैंने उसको, ज्यादा बोल रहा था क्रिया की थी, झाड़ मुखिया, मुख संज्ञा है, यह प्रत्यय बिल्कुल सही है, मुखिया। अब चौथा एकदम आराम से बताना, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्वित प्रत्यय नहीं है, थर्ड में डी, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्वित प्रत्यय नहीं है, चिल्लाहट, क्या बेटा तद्वित प्रत्यय नहीं, चिल्लाना क्रिया है सर, बिल्कुल सही है, ओके क्या, ठंडक तो भाववाचक संज्ञा है, ठंडा बेटा, कल से एक तो 8 बजे से, आठ बजे से, और कल से सब पास नहीं होंगे, पागलों के इतनी सीट थोड़ी है, कितनी सीट है ना, इस सब पास नहीं होंगे, कई ऐसे ये आते हैं वो फीस जमा कराने लेते, फिर तो कोचिंग वाले गरीब में कहां से खरीद लेता है चार मकान, सभी पढ़ते तो है ना, अलग से ट्यूशन देनी पड़ती है, जब सब पढ़ते नहीं है ना, कई लोगों का काम है पैसे देना घर वालों को पैसे, बहुत कम बच्चे गंभीर होते हैं, बहुत बच्चे के कम क्या होते हैं, आप पीजी में रहते हो, जहां भी रहते हो देखते हो आप किस तरह से लोग टाइम पास कर रहे हैं, तो हमको तो सिलेक्शन लेना है सर, यार प्री में नहीं निकाल पाते, एक 15 में से मेरा स्टेटस 15 में से 15 लिखा, 15 में से 15 दिलाऊंगा, 8:30 बजे आएगा और कल से रेगुलर क्लास में आएगा, तो टॉप टॉप बनने के लिए कर लो, तुम फर्स्ट रैंक आएगी सर, फर्स्ट रैंक,